हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ, योर सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। यू आर रीडिंग योर फर्स्ट लेसन। दिस इज योर फर्स्ट लेसन, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। वी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड नाउ वी शैल स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। At the surgery hospital, the household dog searched round me. जो वहां के कुत्ते थे वो दौड़कर मेरे पास आए। ये लेखक बता रहा है। Tricky looked down at the noisy pig with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. Tricky ने सुस्त आंखों से उस शोर मचा रहे समूह को देखा और जब उसे मैंने गलीचे पर रखा तो वह एकदम शांत लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। जब उन कुत्तों ने कुछ पल उसे सूंघने के बाद निर्णय लिया कि वह एक नीरस प्राणी है और उसे अनदेखा करके वहां से चल दी। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। मैंने उसका बिस्तर एक गर्म खुले संदूक में लगा दिया जिसके आसपास और भी संदूक थे जिसमें और कुत्ते सोते थे। फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम। दो दिनों तक मैंने उस पर निगाह रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। मैंने भरपूर मात्रा में पानी के अतिरिक्त उसे कुछ और नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे दूसरे दिन के अंत में ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग। उसने चारों ओर के वातावरण में रुचि लेनी प्रारंभ की एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और फिर तीसरे दिन उसने कुछ हल्की सी आवाजें करनी शुरू की जब उसने आंगन में और कुत्तों को सुना। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. जब मैंने दरवाजा खोला तो Tricky trotted out, दौड़ता हुआ आया and was immediately engulfed by Joe. और तुरंत ही जो नाम के शिकारी कुत्ते के साथ वह दे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स अपनी मित्रता बनाने लगा और उनका मित्र भी बन गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर द थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसको कुछ लुढ़काने के बाद थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम और उसकी पूरी जांच करने के बाद द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। सभी कुत्ते गार्डन की ओर चले गए। Tricky फॉलोड देम और Tricky भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फैट अपने उस अतिरिक्त बोझ के साथ अर्थात मोटापे के साथ वह भी उनके पीछे पीछे चला गया। लेटर दैट डे उस दिन के बाद आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम मैं भोजन के समय वहां उपस्थित रहने लगा। आई वॉज वाइल ट्रिस्टन स्टॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। मैंने देखा ट्रिस्टन को प्यालों में भोजन डालते हुए। देर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रस फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई
and spit eating every dog new. वहां सामान्यतः जो वातावरण बना हुआ था भोजन के समय का वो बड़ा भागदौड़ का था, यानी कि सभी कुत्ते बड़ी भागदौड़ करते थे भोजन के समय और आवाजें भी करते थे और बड़ी तेजी के साथ खाने के लिए दौड़ते थे. एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, यदि वे दूसरों से पीछे रह गया तो ही वाज लेबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन, तो उसे एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा अर्थात प्रतिस्पर्धा करनी होगी, कहीं वह पिछड़ न जाए. फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने उस भोजन से जो उसे प्राप्त होने वाला है. यहां पर ट्रिकी कुत्तों के उस अस्पताल में आ चुका है और अब यहां पर जो राइटर है उसे कोशिश कर रहा है स्वस्थ करने की. आगे देखते हैं. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowl. जब कुत्तों ने अपना भोजन समाप्त कर लिया तो उसने उन चमकते हुए कटोरों का एक राउंड लिया. Licing casually inside one or two of them, उसने लापरवाही से उन कटोरों को चाटने का प्रयास किया. Next day an extra bowl was put out for him, अगले दिन एक अन्य कटोरा उसके लिए भी रखा गया. एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जोसलिंग दिस वॉज टुवार्ड्स इट, मैं इस बात को देखकर प्रसन्न था कि वह वहां तक पहुंचने के लिए उनके बीच में संघर्ष कर रहा था, यानी कि अपने कटोरे तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था जैसा पहले दिन और अन्य कुत्ते कर रहे थे. फ्रॉम देन ऑन His progress was rapid. उस दिन से उसमें तेजी के साथ कुछ तरक्की देखी गई, कुछ विकास देखा गया. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. उसे कोई अतिरिक्त औषधीय उपचार नहीं दिया गया, लेकिन वह उन कुत्तों की तरह दौड़ता रहा. Joining in their friendly skirmishes, वह उनके साथ मित्रवत झगड़ों में शामिल होने लगा. He discovered the joys of being bowled, और वह अपने कटोरे की भी तलाश करने लगा. Over tempered on end, squashed every few minutes. वह उस समूह का एक मेंबर बन गया था, एक असामान्य रेशमी और छोटा प्राणी. अमंग द सेजी क्रू, उन झबरेदार कुत्तों के समूह में. फाइटिंग लाइक ए टाइगर, वह भी शेर की तरह लड़ता था. फॉर हिज शेयर ऑफ मील टाइम्स, अपने भोजन के समय. एंड हंटिंग रैट्स, और चूहों का शिकार करता था. इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, रात में पुराने मुर्गियों के घर में दबड़े में जहां पर मुर्गियां रहती थी उस स्थान पर चूहों का शिकार करता था. ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, अब उसके पास समय नहीं बचता था और किसी कार्य के लिए. All the while Mrs. Pemfrey hovered anxiously in the background. हर टाइम Mrs. Pemfrey इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसे पता लगे कि वहां क्या हो रहा है. Ringing a dozen times a day, उसकी एक दिन में लगभग दर्जनों बार घंटी बजती थी. कॉल करती थी वह जानने के लिए ट्रिकी के बारे में. For the latest बुलेटिन्स, की नए समाचार क्या है. बुलेटिन्स मीन्स यहाँ पर समाचार, यानी कि ट्रिकी के बारे में कोई खबर है क्या. आई डोस्ट द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस, मैं अक्सर टाल जाता था उसके इस तरह के प्रश्नों को
जब वह पूछती थी कि उसके कुशन्स, उसके गद्दे बिछाए गए नहीं गए, वर बींग टर्न, उनको बदला गया या नहीं रेगुलरली नियमित रूप से, और हिज क्रैक्ट कोट वॉर्म अकॉर्डिंग टू द वेदर, और मौसम के अनुसार उसे सही कोट पहनाया गया या नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, मैं बस उसे केवल यह बताता था कि वह छोटा सा प्राणी अब खतरे से बाहर है, एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली, और वह बड़ी तेजी के साथ अब ठीक होने जा रहा है। द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिस्टर पैम्फ्रे, मिसेज पैम्फ्रे। मिसेज पैम्फ्रे के लिए यह शब्द कि वह ठीक हो रहा है बड़ा ही अच्छा था। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स टू डजन एट ए टाइम, वह एक टाइम में उसके लिए दो दर्जन अंडे भेजने लगी थी। टू बिल्ड अप, ताकि वह विकास करें, डेवलप करें। ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी शारीरिक रूप से। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, मेरे और मेरे पार्टनर्स के लिए ये सुखद समय था। एंड आई हैड टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, मैं और वे दो दो अंडे ब्रेकफास्ट में लेने लगे। बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और जब शराब की बोतल भी पहुंचने लगी तो द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तो सीधा सा मतलब था उस आशियाने की, उस स्थान की जहां पर हम रहते थे, कि स्थिति और भी बेहतर होने लगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, यह ट्रिकी के ब्लड को समृद्ध बनाने के लिए भेजी गई थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद टू ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। ये हम दो दो ग्लास वाइन लेने लगे अपने भोजन से पहले हर बार, जो शराब ट्रिकी के लिए भेजी जाती थी, अब लेखक और उसके जो अन्य साथी थे वे अपने भोजन के साथ उस शराब को पीने लगे। क्योंकि वास्तव में ट्रिकी को न तो इतने अधिक अंडों की आवश्यकता थी और न ही शराब की आवश्यकता थी। मिसेस पैम्फ्रे वास्तव में अपने इस कुत्ते के लिए चिंतित थी। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हम मुश्किल से ही इस बात पर विश्वास कर पाए। वेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, जब ट्रिकी के विकास के लिए, उसकी शारीरिक संरचना के लिए ब्रांडी भी भेजी जाने लगी। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फायर स्प्रिट्स वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड एंड रीवेंट्री ड्रंक, यहां पर लेखक कह रहा है कि उसे रात में सूंघना और सूंघने के साथ आदर के साथ उसे पीना। कुछ रातों तक अच्छी शराब के दौर चलते रहे। दे वर डेज ऑफ डीप कॉन्टेक्ट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, वे दिन बड़े ही संतुष्टि के थे जब सुबह को उन्हें अंडे खाने को मिलते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मीडी वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, दोपहर के समय उन्हें शराब पीने को मिलने लगी और रात को उन्हें ब्रांडी पीने को मिलने लगी। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, ट्रिको को स्थायी रूप से मेहमान बना के रखना अपने आप में एक टेम्पटेशन था, लालच था। बट आई न्यू मिसेस पैम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट फेल्ट कंपल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल टॉक, मैं जानता था मिसेस पैम्फ्रे बड़ा ही कष्ट का जीवन जी रही है। 15 दिन के बाद फेल्ट कंपल्ड टू फोन, मैं मजबूर हो गया
उसे बताने के लिए कि उसका कुत्ता अब ठीक है एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन के और वह उसे वहां से ले जा सकती है और वह आपकी प्रतीक्षा अवेटिंग कलेक्शन प्रतीक्षा कर रहा है। आपका कुत्ता सही है और आप उसे अब यहां से ले जा सकती हैं। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्यू अप आउटसाइड द सर्जरी, कुछ ही मिनटों में लगभग 30 feet की चमकती हुई काले धातु की बनी गाड़ी अस्पताल के उस सर्जरी के बाहर आकर खड़ी हो गई। द सेफर ओपन द डोर, जो गाड़ी चालक है उसने दरवाजा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेज पेम्फ्रे, और मैं श्रीमती पेम्फ्रे की आकृति का सिर्फ अनुमान ही लगा पाया। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, क्योंकि वह अंदर की ओर थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्ट इन फ्रंट ऑफ हर, उसने सामने की ओर अपने हाथों को मजबूती से बांधा हुआ था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कुछ बुदबुदाए। ओ मिसेस हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? मिस्टर हैरियट, बताइए जैसा तुमने मुझे कहा था कि वह पहले से बेटर हो गया, क्या ये बात सच है? यस ही इज फाइन, हाँ वह सही है। देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट फॉर ऑफ द कार, तुम्हें कार से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाऊंगा और उसे ले आऊंगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं मकान से होता हुआ बगीचे में गया। आई ए मॉस ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, कुत्तों का एक समूह, वहां पर एक झुंड था कुत्तों का, वो गोल गोल घूम रहा था। एंड इन देयर मेडेस्ट, और उनके ठीक बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, अपने कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग, अपनी पूंछ को हिलाता हुआ, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर, एक सुनहरी आकृति वाला छोटा सा ट्रिकी बीच में था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इंटू ए लिटिल हार्ड मसल, 2 सप्ताह में ही वह एक लचीले कठोर मांसपेशियों वाला प्राणी बन गया था। ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक, अब वह पूरी तरह से बदल गया था और वह अपने शरीर को फैला सकता था। स्टैंड आउट इन ग्रेट बाउंस, पूरी तरह से वह अपने शरीर को पूरी तरह से फैला सकता था। ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, वह अपनी छाती को जमीन में भी लगा सकता था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे वापस गलियारे से होता हुआ घर के सामने ले आया। द सेफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड वेन ट्रिकी वाज हिज मिस्ट्रेस, He took off from my arms in a demandious leap and sailed into Mrs. Pemphrey's lap. यहां पर लेखक बता रहा है उस समय का वर्णन जब उसकी मालकिन वहां पर आ गई तो उसने सेफर वहां पर अभी भी उसका दरवाजा पकड़े हुआ था। ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स, वे मेरी गोद से उछला। इन ए ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पेम्फ्रे, और तेजी के साथ मिसेस पेम्फ्रे की गोद में पहुंच गया। सी गेव ए स्टार्टल ऊ, उसने उसको सी गेव ए स्टार्टल, वह चौंक गई। ओह एंड देन हैड ए डिफ्ट हर सेल्फ एज ही स्वाम ओवर हर लाइसिंग हर फेस एंड बार्किंग, क्यों ऐसा क्यों हुआ? वह उससे बचना चाहती थी
क्योंकि वह कई दिनों के बाद उससे मिला था और उस पर टूट पड़ा और उसे चाटने लगा और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द शेफर्ड टू ब्रिंग आउट द बैड्स, मैंने उसकी हेल्प की उस सामान को रखने में जो बैड, खिलौने, कुशन, गद्दे वगैरह, कोट और बाउल्स वो साथ लेकर आई थी, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, उसमें से कोई भी चीज प्रयोग नहीं की गई। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार मुड़ी, मिसिज पैम्फ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो, मिसिज पैम्फ्रे खिड़की से बाहर झांकी, टीयर्स सोन इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे, हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होंठ कांप रहे थे, ओ मिसिज हैरेट सी क्राइड, उसने जोर से कहा, मिस्टर हैरेट हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, दिस इज द टर्म ऑफ सर्जरी, यह अस्पताल की विजय है। ये लेसन पूरा हुआ, इसके मीनिंग्स क्वेश्चन आंसर हम कल भेजेंगे, आप उन्हें पूर्ण करेंगे और लेसन को दो या तीन बार जरूर पढ़ें, तभी यह अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।